वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये था ईद का दिन, सबको ईद मुबारक। ठीक है, ईद का पहला दिन था तो अभी रूहान जो ने सोया था, अभी उठा नहीं था और मैंने कपड़े निकाल दिए थे अपने, भी मैं ड्रेस निकालने लगी थी, फ्रेश होने लगी थी क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। मैंने सोचा पहले तैयार हो जाते हैं क्योंकि नमाज वगैरह तो पढ़ के आ चुके थे हस्बैंड लोग और ईदी वगैरह भी मतलब मिल ही ली थी, लेकिन मैं ना लेट तैयार होने लगी थी क्योंकि हमें जाना था गुजरा वाला, लेकिन मैं अभी ना रेडी नहीं हो रही थी। मैं अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाला है, ब्लू वाला। ठीक है जी, मैं ये पहनूंगी। साथ वाला जो है ना, इसके मैंने जो ना तिरपाई वगैरह जो कहते हैं ना वो करनी थी, लेकिन मुझे टाइम ही मिला, मैंने फिर भी नहीं की। यहाँ पर मैं आपको अपनी बेडशीट दिखा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं रेडी हो चुकी थी और मैं जा रही थी मम्मी लोगों के घर ईद मिलने उनको। सिंपल मैं कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल थी, मेकअप वगैरह मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो है ना ज्वेलरी पहन की वो भी थोड़ी सी। ईद का पहला दिन है और हम लोग जा रहे हैं गुजरा वाला। ये देखिए मेरे जूते पड़े हैं, ये साँ पे मेस साँ पे कह रही है, यहाँ पे सारा मेस हुआ हुआ है। मैं पैकिंग कर रही हूँ। ठीक है, अभी तक रोहान जो है ना नहीं उठा क्योंकि रात को 3 बजे सोया था, अभी तक उठा ही नहीं, उसको मैंने रेडी भी करना है। मेहंदी मैंने इस वजह से नहीं लगाई और थोड़ी बहुत जल्दी में रख रही हूँ, ज़्यादा पहनी तो होनी नहीं है, तो मैं पैकिंग करती हूँ। तो हमने बनवाई थी, कह रही हूँ बनाई थी सेवैयाँ। ठीक है, मामा ने सेवैयाँ बनाई थी और जो है ना साथ में बिरयानी थी, तो वो भी मामू के नाना बुआ थे उनको दे रही थी मैं डाल के। और जो है ना चंद रात को मैंने ब्लॉग जो है ना बनाना था, मैंने अपलोड करना था, लेकिन जो है ना एडिट भी करना था और वॉइस ओवर करना था, जिस जो मैंने एडिट भी नहीं किया, वॉइस ओवर भी नहीं किया, फिर इस वजह से अपलोड भी नहीं हुआ। क्योंकि उस रात जो है ना चंद रात वाले दिन बहुत ज़्यादा तूफान था, बारिश भी बहुत ज़्यादा थी और जो ना रोहान भी नहीं सोया, उसने बहुत तंग किया, इस वजह से जो है ना मैं अपना ब्लॉग जो है चंद रात वाला वो मैं अपलोड नहीं कर सकी। इस वजह से अब वो अपलोड हो भी नहीं सकता क्योंकि चंद रात टूट गई, इसलिए अभी जो है ना ईद के ब्लॉग आएंगे इंशाल्लाह, ईद का पहला दिन का ये वाला ब्लॉग। ठीक है, अभी मैं वॉइस ओवर करी, पीछे से आपको बहुत शोर आ रहा होगा क्योंकि मामू लोग के घर में बच्चे वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुनो को ना इग्नोर करना है। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे सोया डाल रही थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, मज़े की थी, मैंने टेस्ट की, थोड़ी सी खाई थी लेकिन बहुत मज़े की थी। ये बड़ा गोश्त का बिरयानी जो है ना बनेगी, मामा ने वहाँ पे सर कुछ रेडी कर रखा था, मसाला भी वगैरह और जो ना बड़ा गोश्त जो है वो भी तैयार कर रखा था, सिर्फ बिरयानी जो है ना वो दम वगैरह शायद पानी वो लगाना था बस वो। तो ये जो ना अब मैं आपको एक कस्टर्ड दिखा रही हूँ, कस्टर्ड के रही हूँ सवाइयों का एक बाउल दिखा रही थी। ठीक है, और यहाँ पर जो ना हम लोग खाना खाने लगे थे, उसके बाद जो ना खाना खा के हमें फ़ौरन जो ना निकलना था, पहले अम्मी के घर जाना था, अम्मी लोगों को ईद मिल के, उसके बाद जो है ना हमने गुजरा वाले के लिए निकलना था। यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे तो उसके बाद जिन्हें अम्मी लोगों को मिल के, ठीक है जी, उसके बाद हम निकले गुजरा वाले के लिए। तो इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तैयार हुआ नहीं जा रहा। मैंने तो मेहंदी भी नहीं लगाई है, अब मैं सोचती हूँ मेहंदी जो है ना मैं लगा लेती हूँ। अभी तो ईद गुजर भी गई, ईद का पहला दिन गुजर गया, अभी दूसरा दिन है आज, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ठीक है, यह पहले दिन की वीडियो है लेकिन जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ वो ईद का दूसरा दिन है आज। ठीक है, और मेहंदी भी सोचती हूँ मैं लगा लेती हूँ। और क्या है, गर्मी है, तैयार नहीं हो जा रहा, अभी हमें कहीं जाना है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ साथ अगर मैं बना सकी तो रहमान भी है, उसको भी उठाना होता है, सारा उसको देखना होता है, तंग करता है वो, उस वजह से जो है ना नहीं बना सकती मैं। तो इतना ही था ब्लॉग ये वाला, आपको ये वाला ब्लॉग जो है जरूर पसंद आया होगा। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। तो ठीक है जी, और आपने हम गाँव में याद रखना है और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग जो है कैसा लगा है। और मेरे चैनल को अपने